तो आ गई हूँ मैं फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। और ये है काले चने की मैंने जो छोले बनाए हैं, और ये पानी फल के जो आटा होते हैं ना, मैं उसी का हलवा बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं त्रिकोण वाली पूड़ी बनाई हूँ आज। तो ये मेरी सुबह की जो है वो ब्रेकफास्ट है। मैं दिखाना चाही थी पर हो नहीं पाया, लेट हो रही थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसकी रेसिपी की वीडियो मैंने नहीं दी, बस जस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया। और मेरी गांग जो है अभी सो के उठा है, आँखें नहीं खुल रही है लेकिन हाय ज़रूर बोलता है आप लोगों से, तो आप लोग भी इसको हाय बोल दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ये हाय बोल रहा है, उसकी नींदें नहीं खुल रही है। और मैं तो मसीहा अभी पास में ही है, बैठा हुआ एडिटिंग के टाइम पे, और यहाँ पे तो एकदम नींद नहीं खुल रही है उसकी। अपने पापा के गोद पे है वो अभी, और पापा जो हैं डायपर खोल दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी। ये देखिए कुछ बोल ही नहीं देता है, मैं क्या बोलूँ, क्यों चिल्लाता है मेरा बेटा। मुंह बनाना देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए ये पूरी सदाई ऐसे देख जाइए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, और मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। हाँ, और ये है मेरे मोटू मोटू से हस्बैंड। हाय, देख लीजिए। हाय, हाय कर दो। हाय हाय नहीं करेगा। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग लेकर के। तो आज मैं कोई भी क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। और मसीहा को देखिए, ये गाड़ी चला के आ रहा है। ये है चेयर टूल है। अरे बाबा, ये टूल से गाड़ी चला रहा है, देखिए। और मेरे बाबा बाबा घोड़ा बन जाए, बाबा पापा घोड़ा 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 पापा घोड़ा बन जाए, पापा 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 अभी ये मोबाइल देख रहा है, तो अभी इसकी थोड़ी शैतानी स्टार्ट है। तो मैंने आज सारा काम कंप्लीट कर लिया है, और अभी भी घर पे हैं तो बहुत सारा हेल्प हो गया मेरा। और अभी है शाम का टाइम, तो हम लोग अब थोड़ा सा चाय चाय पियेंगे, सिर्फ एक्टिविटी देखते रहिए। आज कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी, बस यही थोड़े मोड़े मैंने कुछ कुकिंग किए थे, उसके ही वीडियो मैंने लिए हुए थे, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? नहीं, आपको बोलना नहीं आता क्या? अरे आपने तो भी बोला, बोल दीजिए। हैप्पी 29 मार्च। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, मैं दिखाती हूँ चाय वगैरह सब बन रही है। और देखिए आज मेरे सारे काम कंप्लीट है, देखिए सिंक एकदम खाली है, बर्तन नहीं है, सारी खत्म है। और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय दलिया, जो कि आप लोगों को पता है। आगे मैंने कुछ 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 क्लिप शूट किए हैं, जो आप लोगों से शेयर करूँगी, वो देखते रहिएगा। तो यहाँ मैं कुकिंग करने के लिए आ गई हूँ, और कढ़ाई गर्म हो गई थी तो मैंने इसमें अदरक लहसुन प्याज मिर्ची कुछ खड़े गर्म मसाले इसके पेस्ट बनाकर, टोमेटो भी है इसमें, पेस्ट बना कर के मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। और कटहल की सब्ज़ी बनेगी, तो कटहल की सब्ज़ी जो है वो भी मैंने कट करके बॉईल करके साइड में रख दिया था, और इसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसके तेल और मसाले जो है वो अलग अलग बाहर ना आ जाए। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों की, मैंने फ्राई करके बॉईल करके रखा है यहाँ पे इसको बनाने के लिए। और यहाँ मैंने पहले से ही करेले और आलू की भाजी जो है प्याज दे करके वो भी साइड में बना करके रख लिया था, वो भी मैं दिखा नहीं पाई टाइम की कमी की वजह से, पता है ना वीडियो बनाने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाते हैं। और यहाँ पे दाल मैंने बना रखा है, इसमें मैंने बीन्स पपाया दोनों डाल कर रखा है, मसीहा खाते हैं बोल करके इस तरह से मैं बना देती हूँ, छौंका नहीं देती हूँ। और यहाँ मैंने चने की सब्ज़ी बना रखी है,
और यहाँ इसमें कुकर में चावल है। तो लगभग सारे कुकिंग जो है मेरे कंप्लीट थे लंच जो है। ये लास्ट सब्जी बची हुई थी तो सोचा चलो इसी को शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे लगभग मेरी जो है वो फ्राई भी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने ऊपर से इसमें कच्ची वाली मिर्च दी है टेस्ट के लिए और देखने में भी खूबसूरत लगती है। यहाँ पे मेरे लगभग तेल और मसाले जो है अलग हो गए हैं और मैं इसमें जो बॉईल की हूँ वो मैं डाल दे रही हूँ कटहल और आलू। ये एकदम नॉर्मल और इजी तरीके से बहुत जल्दी बन जाती है। ऑफिस आवर्स में भी हम इसको इजीली बना सकते हैं। फास्ट बनाने के लिए इससे अच्छा कोई ट्रिक्स नहीं हो सकता। और इसको जो है वो मैं ढक करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँगी और इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक दे रही हूँ। और नमक दे के मैं फिर से कुछ टाइम के लिए इसको ढक के छोड़ूँगी जिससे कि मसाले और नमक जो है वो कटहल और आलू में जा कर के अच्छे से मिल जाए। और मैं इसमें अब हल्दी पाउडर दे रही हूँ, एक चम्मच दिया है मैंने, और आधे चम्मच मैंने धनिया पाउडर दिया है और आधे चम्मच मैंने जीरा पाउडर दिया है। मसाले जो है वो मैंने थोड़े से कम कम ही दिया हुआ है इसमें। और बस अब मैं इसको अच्छे से मिला करके, ये पाउडर वाले मसाले हैं इसलिए मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ी सी टाइम फ्राई करने के बाद ही मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो ये लगभग तैयार हैं भूनके और देखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। तो अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और पानी डाल करके मैं कुछ समय के लिए ढक के रख दूँगी। तो हमारी सब्ज़ी जो है वो कटहल की सब्ज़ी जो है वो झटपट बन के तैयार है। ऑफिस आवर्स में इसको ईजिली इस ट्रिक से बनाया जा सकता है, बहुत टेस्टी बनता है। कटहल की सब्ज़ी कैसे भी बना ले टेस्टी होती है। और यहाँ पे जो है मसीहा ने पहली बार खुद से इस तरह से सजाने की कोशिश की है जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक पल था। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इसके पीछे हर चीज़ समझाने को। तो मतलब ये फ़र्स्ट टाइम शो किया, बहुत अच्छा लगा। और देखिए खुद से सजा रहा है तो इसको मैंने कैप्चर कर लिया और ये मेरे लिए सचमुच बहुत बहुत दिल को बहुत खुशी हो रही थी, सुकून मिले थी देख करके कि बच्चा मेरा कुछ सीख रहा है और बहुत कुछ बोल भी रहा था वो। लेकिन टीवी चल रही थी इस वजह से मुझे साउंड जो है म्यूट करना पड़ा है। और मतलब जो भी कुछ एक्टिविटी अभी देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो कुछ कुछ सीखे बस यही चाहती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन बटन जो है वो भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आराम से पहुंच जाए और आप फुल वॉच कर पाए। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फुल वॉच करें वीडियो को। और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज मैंने बहुत काम किया है पर आज शेयर नहीं किया है, थोड़ा सा ही शेयर मैं कर पाई हूँ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।